पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर गायब हो गए हैं। इसके अलावा इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के कई नेता गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद हैं। इमरान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी ने रविवार को एक बड़ी रैली की। इस रैली में अली अमीन गंडापुर ने धमकी भरे अंदाज में इमरान खान को छुड़ाने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद से ही वो गायब हो गए हैं। इमरान खान को जेल में रखने के लिए सीधे तौर पर सेना पर आरोप लगते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर की इमरान को जबरन छुड़ाने की धमकी सीधे तौर पर सेना को चुनौती थी। खैबर पख्तूनख्वा के सूचना सलाहकार बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने दावा किया कि गंडापुर गायब हैं और कई घंटों से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। सोमवार की रात एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने खुलासा किया कि सीएम गंडापुर से संपर्क करने का सभी प्रयास विफल रहा है, उनके फोन बंद कर दिए गए थे। सैफ ने कहा, मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में हैं, पेशावर में नहीं, लेकिन हमें उनके ठिकाने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा पीटीआई के अन्य नेताओं की पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की जा रही है, जिसमें पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली खान और सांसद शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी भी शामिल है। अली अमीन गंडापुर ने भड़काऊ बयान दिया था, जिसमें वो जबरन इमरान को जेल से बाहर लाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा था, पाकिस्तानियों सुन लो, दो हफ्ते में अगर इमरान खान कानून के हिसाब से रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम खुद ही उसे रिहा करेंगे। भीड़ से उन्होंने कहा, तैयार हो, मैं अब आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा, पीछे मत हटना, अगर हम अब पीछे हटे तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। पिछले साल इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान पाकिस्तान में दंगा फसाद देखा गया था। ऐसे में गंडापुर का यह भाषण हिंसा फैला सकता है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई नेता जुल्फी बुखारी ने कहा, मुख्यमंत्री शाम 7 बजे से लापता हैं। महाधिवक्ता खैबर पख्तूनख्वा उनकी बरामदगी के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने उनका अपहरण किया है। वो आधिकारिक बैठक के लिए गए थे। ये पहली बार है जब किसी मौजूदा सीएम के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया हो। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले साल से जेल में हैं। जेल में रहते हुए उन्हें 400 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। उनके समर्थकों का आरोप है कि फर्जी मामलों में उन्हें फंसाया जा रहा है। इमरान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में एक बड़ी रैली की गई थी। अन्य नेताओं की गिरफ्तारी रैली से जुड़ी परमिशन के उल्लंघन के कारण हुई है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।